जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन होगी इंटेंसिटी के लिए इनसाइड डायरेक्शन होगी, अंदर की ओर होगी, क्लियर। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उस समय जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेक्टर है वो क्या रहेगा, आउटसाइड रहेगा, मतलब बाहर की ओर विद्युत तीव्रता आपको मिल जाएगी, क्लियर। और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो उस समय इंटेंसिटी क्या रहेगी, वो अंदर की ओर वर्क करेगी, क्लियर। तो ये आपका रिक्वायर एक्सप्रेशन है, इस प्रकार आपको ये करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्पीडली जल्दी से। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने जैसे कि डायग्राम शो किया था उसके अकॉर्डिंग हमने कोई गॉसियन सरफेस भी इसमें दिखाया था आपको, और उस गॉसियन सरफेस के दो पॉइंट थे हमारे पास पी और पी डैश, जो कि आर डिस्टेंस के थे, और हमारे पास ई वेक्टर और डी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया था क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। और इसके साथ साथ गॉसियन जो हमारे पास सिलेंडर थी वो उस नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट के बोथ साइड क्या था उसमें आर पार हमने उसको रखा हुआ था, और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था इस आवेशक प्लेट में। इसके साथ साथ हमने इसमें सरफेस डेंसिटी को भी शो किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहली कंडीशन ली थी सरफेस डेंसिटी न्यूट्रल क्यों को ए, क्लियर। और उसके बाद हमने एक कंडीशन दी थी कि दोनों एंड्स के लिए बात कर हमने की थी गॉसियन सिलेंडर में, और वो एंड्स उस नॉन कंडक्टिंग सीट के पैरेलल थे, और इसके साथ साथ ई की और डी की जो डायरेक्शन थी वो सेम रहेगी, और ये परपेंडिकुलर भी रहेंगे एक दूसरे के लिए। तो पहली कंडीशन हमारी पैरेलल के लिए थी, पैरेलल समांतर स्थिति में हमने कंडीशन ली थी, और उससे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था फाई इक्वल ई डॉट डी वेक्टर से, और उसको हमने सॉल्व आउट किया था, और हमने दोनों एंड्स के लिए बात की थी पॉइंट पी के लिए और पॉइंट बी डैश के लिए, और उसको सॉल्व करके हमारे पास आया था टोटल फाइव इक्वल टू ई ए, क्लियर। तो ये हमारे पास पैरेलल कंडीशन में था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर। अब हम बात करेंगे गॉसियन सिलेंडर में उसकी कर्व सर्फेसिस के लिए। तो कर्व सर्फेसिस के लिए हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, विलबिता जीरो, क्यों, क्योंकि ई वेक्टर और डी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर होंगे उस कंडीशन में, तो जो परपेंडिकुलर होगा तो वो जीरो होगा, ना कि डिग्री का होंगे, हमने इसको शो किया था। तो सेकंड हमारे पास आया था फाइव इक्वल जीरो। तो उसके बाद हमने कंप्लीट पूरी चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमने ऐड किया था, और ऐड करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाइव इक्वल टू ई ए, क्लियर। यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हमने किए थे अभी इक्वेशन जब फॉर्मेट की, तो फाइव इक्वल टू ई ए। और उसके बाद आपको गॉस का जो लॉ है स्टेटमेंट है तो फिजिक्स में वो अप्लाई करना है, तो फाइव ई इक्वल ये क्यों को नेचुरल नंबर भी होता है, फाइव इक्वल ये नेट इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए भी होता है, क्लियर है। तो हमने इसको अप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 12 फॉर्मेट की, हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये भी क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इनको सोल्व करने के बाद हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टू ई ए इक्वल क्यों कौन एप्सिलॉन नॉट फंक्शन बनेगा, और इसको हमने मॉडिफाई करके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया ई इक्वल क्यों कौन टू एप्सिलॉन नॉट ए, इक्वेशन नंबर 14। उसके बाद हमें सरफेस डेंसिटी भी हमने यहाँ पे अप्लाई करी, क्यों न्यूट्रल होती है क्यों कौन ए, तो यहाँ से क्यों आ जाएगा हमारे पास चार्ज आ जाएगा न्यू इंटू ए, इसको हम यहाँ बुक करेंगे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बचेगा ए इक्वल न्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके बाद रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है उसके लिए व्यापक व्यंजक है कर्व जब अनंत विस्तार की कोई आवेशित अचालक प्लेट है, और ये उस अचालक प्लेट के सभी बिंदु का समान रूप से क्या होगा ये वितरित होगा, क्लियर। मीन्स सभी बिंदु पे जो विद्युत तीव्रता है वो क्या रहेगी समान रहेगी, क्लियर। और इसके साथ साथ ये आर पे डिपेंड नहीं करेगा बिकॉज फॉर्मूले में आर नहीं है, राइट है। तो उससे भी क्लियर होता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सेम एट द
ईच पॉइंट ऑफ द इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, क्लियर है। और इसके साथ साथ अगर हमने उस नॉन कंडक्टिंग शीट में नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया है, रखा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उस समय जो इंटेंसिटी अट्रैक्शन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इनसाइड रहेगी गॉसियन सिलेंडर में, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये एप्लीकेशन प्रिपेयर करोगे जो भी स्पेशल हर बार ये एग्जाम में पूछ जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो बाय कमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।